नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजेएन न्यूज, जनता की आवाज। झीरम कांड की 8वीं बरसी पर एसजेएन न्यूज सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही यह सवाल भी उठाता है कि आखिर इन शहीदों को न्याय कब मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अब बन चुकी है, सरकार द्वारा एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, पर अब तक इस मामले में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। क्या यह मामला केवल राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा या शहीदों को न्याय मिलेगा? ऐसे ही बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब राज्य व केंद्र सरकार को देना होगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु जोगी जी के पेट के ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन के बाद उन्होंने अपना वीडियो जारी करके अपने स्वास्थ्य की क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर बहुत ही शीघ्र आप लोगों के बीच आऊंगी और आप लोगों की सेवा करने का मुझे पुनः अवसर मिलेगा। और आप लोगों ने जो मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा, दुआओं में याद रखा, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद। गल्ली राजरा भाजपा मंडल द्वारा टूल किट मामले पर भाजपा नेताओं पर हुए एफआईआर के विरोध में आंदोलन किया गया। तेरी दाना दाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भर्ती एफआईआर करने बंद करो, भर्ती एफआईआर करने बंद करो। उबेर तेरी दाना दाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। कांग्रेस नेता रत्ती राम कोस्मा ने वीडियो जारी कर वैक्सीन लगाने का जनता से किया निवेदन। तमाम साथियों को टीकाकरण के लिए पूरे बालोद जिले में हमारे अपने अपने बूथ में, अपने सेक्टर में, अपने जोन के प्रभार वाले क्षेत्र में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है। बालोद जिले में 100% टीकाकरण। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश व दल्ली राजरा सहित आसपास की खबरों के लिए आप देखते रहें एसजे न्यूज।